हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में। तो चलिए आज चलते हैं हम लाइव फील्ड में और बात करेंगे टरबाइन गवर्निंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि किसी भी मनुष्य के जीवित रहने के लिए जरूरी है उसका दिल, सिमिलरली एक टरबाइन को हेल्दी रन कराने के लिए उसका टरबाइन गवर्निंग सिस्टम को भी आपको हेल्दी कंडीशन में रन कराना पड़ेगा, तो ही आप उस टरबाइन को हेल्दी स्मूथली ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अविनाश जी जो कि एक टरबाइन इंजीनियर है, उनसे समझते हैं टरबाइन गवर्निंग सिस्टम के बारे में। नमस्कार, रोशन भाई के यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में आपका स्वागत है। अभी आप हमारे सामने एक सिस्टम देख रहे हैं, ये एक BHEL का इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम है। तो आज के वीडियो में ये समझेंगे कि हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है वो कैसे हमारे टरबाइन को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए हमें आज बहुत ब्रीफ से और बेसिक से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को बेसिक से ब्रीफ से थोड़ा नहीं समझेंगे तब तक हमें गवर्निंग सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको मोटा मोटी एक सिस्टम बता देता हूं कि गवर्निंग सिस्टम कैसे टरबाइन को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग लोड फ्लक्चुएशन करते हैं, जब लोड में चेंजेस लाते हैं, जैसे 1 मेगावाट से 2 मेगावाट, 2 मेगावाट से 3 मेगावाट या 5 मेगावाट से 4 मेगावाट, जैसे जैसे हम लोग लोड फ्लक्चुएशन करते हैं तो उस समय हम लोगों को जो ये लोड चेंजेस करते हैं उसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो आपका गवर्निंग सिस्टम अदा करता है। तो ये गवर्निंग सिस्टम काम कैसे करता है और इससे हम लोग कैसे कमांड देते हैं जिससे कि टरबाइन का लोड, हमारा जनरेटर का लोड चेंज हो जाता है। तो देखिए, इसमें नाम से ही समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्निंग सिस्टम, यानी कि हमारा ये जो सारा सिस्टम जो है ये हाइड्रोलिक बेस पे काम करता है। कैसे? तो हम इसके लिए, इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। तो देखिए, हम लोग नॉर्मली इसमें MOP डिस्चार्ज से जो ऑयल होता है, MOP का जो डिस्चार्ज होता है, अब वो MOP डिस्चार्ज आपका मोटर ड्रिवन भी हो सकता है या शाफ्ट ड्रिवन भी हो सकता है। तो जो MOP का जो डिस्चार्ज होता है, हम वहां से क्या करते हैं, एक ऑयल के लिए टैपिंग लेते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, ये ऑयल है, ये पीली वाली पाइप जो देख रहे हैं आप, ये मेन MOP के डिस्चार्ज से ये पाइप जो है आया हुआ है। और यहाँ पे आप एक फिल्टर, डुप्लेक्स फिल्टर देख सकते हैं, एक टाइम में हम लोग एक फिल्टर जो है इसको काम में लेते हैं। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पाइप आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे की तरफ जाने के बाद क्या होता है, ये एक ट्रिप सोलेनॉइड, इसको यहाँ पास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्ट्रिप सोलेनॉइड से पार होने के बाद क्या होता है, इसको कंट्रोल रूम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सिस्टम को पूरा ट्रिप करना चाहें तो हम लोग इस सोलेनॉइड वॉल्व को ऑफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि सिस्टम में ऑयल जाना बंद हो जाता है और हमारा ESV जो है और कंट्रोल वॉल्व जो है, क्योंकि टर्बाइन में हम लोगों को स्टीम डालने के लिए 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है ESV स्टेज होता है, इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व। इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व से जैसे ही पार होते हुए स्टीम आगे जाता है तो एक कंट्रोल वॉल्व पड़ता है, वो कंट्रोल वॉल्व को पार करने के बाद जब स्टीम आगे बढ़ता है तो टरबाइन के अंदर घुसता है। तो हम लोग उसी कंट्रोल वॉल्व को कम ज्यादा या ऊपर नीचे करते हैं, जिससे स्टीम जो है वो टरबाइन में कम ज्यादा होता है। और स्टीम का क्वांटिटी टरबाइन में कम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, टरबाइन का, हम लोग का जनरेटर का लोड चेंज हो जाता है। तो उस कंट्रोल वॉल्व को ही ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये इतना बड़ा, ये सीमेंस का आपका ESG सिस्टम है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, तो आपका ये ऑयल को देखिए यूज कैसे करते हैं, फिर हम उस पर अब बात करते हैं। तो आपका ये जो ऑयल है आगे की तरफ बढ़ता है, इस ऑयल को हम लोग यहां से 2 पार्ट में देख सकते हैं, आप डिवाइड किया हुआ है, एक पाइप इधर की तरफ गया है और एक पाइप आपका इधर की तरफ गया है। तो देखिए, जो इधर की तरफ पाइप गया है, इससे जो ऑयल आगे जाएगा उसका यूज किस किस काम में होता है हम उसको बाद में बात करेंगे, पहले इस तरफ बात कर लेते हैं। ये जो डायरेक्शन है पाइप का, ये डायरेक्शन में जो ऑयल है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है ये आगे जाता है, और एक आप यहाँ पे I2H कन्वर्टर देख रहे होंगे वॉयथ कंपनी का। नॉर्मली इसको 505 इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक गवर्नर जो होता है, 505 के मदद से हम लोग नॉर्मली इसको कंट्रोल करते हैं, और टरबाइन के RPM के हिसाब से ही ये वर्क करता है।
जैसे कि अगर टरबाइन का मेरा आरपीएम ज्यादा स्टीम जाने की वजह से अगर बढ़ रहा है तो क्या होता है, तो इसमें का जो ये ऑयल जो इस सिस्टम के अंदर जा रहा है तो ये एक प्रकार से वॉल्व की तरह काम करता है। इस सिस्टम का आप यूज मोटा मोटी समझ गए हैं। नॉर्मली क्या करता है, इसमें से डिस्चार्ज का दो लाइन आप देख रहे हैं, इनलेट का एक लाइन है और डिस्चार्ज के लिए दो पाइप है। एक ड्रेन टैंक में चला जाता है वापस ऑयल कंटिन्यूअसली, और जब अगर इस ऑयल को हम लोग यूज में लेते हैं तो ये ऑयल आगे की तरफ बढ़ता है, और यही ऑयल जो है वो आगे जाके मेनली हम लोग का क्या करता है, कलर कंट्रोल वॉल्व को। ग्रीन कलर का ये पाइप देख रहे हैं आप, तो ये नॉर्मली क्या करता है, यही ऑयल जाता है हमारे कंट्रोल वॉल्व में, और उस कंट्रोल वॉल्व को हम लोग अपने कमांड के हिसाब से कम ज्यादा करते हुए उसको प्रोग्रामिंग करके हम लोग जितना परसेंट का खुलने का कमांड देते हैं हमारा जो है वॉल्व उतना परसेंट खुल जाता है। तो आई टू एच कन्वर्टर का बहुत महत्वपूर्ण काम जो है आप लोग समझ चुके हैं। अब देखते हैं सिस्टम में और क्या क्या रहता है। देखिए ये जो आपका अभी भी इसी पे ही रहेंगे हम लोग, ये जो आपका ग्रीन कलर का पाइप जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, जिसको कि मैं क्या बोला, जो कि कंट्रोल वॉल्व के अंदर जा रहा है। एक बार शॉर्ट में हम लोग कंट्रोल वॉल्व भी देखें, तो वो हम लोग वहां पे अभी खड़े थे और वो जो पूरा सिस्टम आप लोग देख रहे हैं वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गवर्नर का है। तो वहां से एक पाइप हम लोग बोल रहे थे ग्रीन वाली पाइप, तो देख सकते हैं ग्रीन वाली पाइप जो है ये कैसे इस सिस्टम में यहाँ से इंटर करती है। अभी हमारा सिस्टम अभी वर्किंग में नहीं है, इसका ओवरहॉलिंग का काम चल रहा है, इस वजह से अभी ये जो ग्रीन वाला जो इनलेट मैंने कहा था आपको जो आई टू एच कन्वर्टर से आ रहा था वो वाला पाइप यही है, और इसको हम लोग एक टर्म में बोला जाता है सेकेंडरी ऑयल प्रेशर। तो ये सेकेंडरी ऑयल प्रेशर ही जो है आपको क्या करता है, ये आपके सामने एक सर्वो मोटर आप देख रहे हैं, इस सर्वो मोटर को ही क्या करता है, एक पिस्टन के जैसा अंदर में रहता है, और वो पिस्टन को ये सेकेंडरी ऑयल के प्रेशर की वजह से वो पिस्टन ऊपर नीचे होता है, और वो पिस्टन जितना ऊपर नीचे होगा आपका अंदर में टरबाइन के केसिंग के अंदर में जो कंट्रोल वॉल्व लगा है वो कंट्रोल वॉल्व ऊपर नीचे होता है, जिससे हम लोग स्टीम का क्वांटिटी को कम ज़्यादा करते हैं। दोबारा से फिर से उसी जगह में आ गए हैं, ये जो ग्रीन वाली पाइप जो आई टू एच कन्वर्टर का हम डिस्चार्ज जो आउटलेट देख रहे थे जो कि हमारे कंट्रोल वॉल्व में जा रहा था, उसी लाइन में से दो पाइप का टैपिंग और लिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें क्या है, एक हाइड्रोलिक वॉल्व यहाँ पे है और ये ऊपर की तरह एक हाइड्रोलिक वॉल्व यहाँ पे है। अब ये जो दोनों वॉल्व दिया हुआ है इसका यूज क्या है, तो इस वॉल्व का यूज ये होता है कि नॉर्मली ये वाला वॉल्व जो है ये आपका एचपी एक्सट्रैक्शन का जो पाइपलाइन होता है टर्बाइन का, उसका जो एनआरवी रहता है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए इस वॉल्व का यूज होता है। ये दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला एलपी एक्सट्रैक्शन का जो क्यूसी एनआरवी है उसको ओपन और क्लोज करने के लिए ये वॉल्व यूज हो जाता है। अब देखिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब तक आपका 3 मेगावाट प्लांट, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मैं इसका ऑयल आई टू एच कन्वर्टर का ऑयल प्रेशर में जैसे जैसे बढ़ाता हूँ, तो बढ़ाने की वजह से क्या होता है, मेरा जो सेकेंडरी ऑयल प्रेशर है ये भी बढ़ता है, तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है, मेरा कंट्रोल वॉल्व खुलता है जिसके कारण मेरा टर्बाइन चालू होता है, टर्बाइन का रोटर घूमना शुरू होता है। लेकिन जब तक मेरा ये 3 मेगावाट मेरा टर्बाइन नहीं पहुंचेगा तब तक इस ऑयल प्रेशर में उतना प्रेशर डेवलप भी नहीं हुआ रहेगा, तो इसकी वजह से ये दोनों मेरा डीरेटर और एलपी हीटर के लिए जो स्टीम जाता है वो पाइप नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे ही मेरा 3 मेगावाट से ज़्यादा डेवलप करेगा तो इस ये आई टू एच कन्वर्टर का जो प्रेशर वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये वॉल्व खुल जाएगा जिससे मेरा दोनों क्यूसी एनआरवी ओपन हो जाता है। जो ये जो फिर से शुरू में आ जाते हैं ट्रिप सोलेनोइड के पास, ये जो पाइप का डायरेक्शन था हम इसका जो यूज था हम उसको समझ चुके हैं। अब एक जो ट्रिप सोलेनोइड के बाद से जो दूसरा ऑयल लाइन गया हुआ है, इस ऑयल का हम लोग यूज किस किस काम में करते हैं आइए देखते हैं। तो आपके सामने अभी आप यहां से आ जाइए, अभी आपके सामने देख रहे हैं आप एक ओवर स्पीड टेस्टर आपको दिख रहा होगा। इस ओवर स्पीड टेस्टर को हम लोग कैसे काम में लेते हैं आइए समझते हैं। तो जैसे ये मेरा ऑयल लाइन क्या होता है, इसमें ओवर स्पीड टेस्टर में नीचे की तरफ से देखिए आप ऑयल जाता है और इस तरफ से ये ऑयल जो है वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये ऑयल बाहर आने के बाद से ये टेस्टर ऑयल कहलाता है। टेस्टर से जैसे ऑयल मेरा बाहर आता है
ये टेस्टर ऑयल कहलाता है। ये टेस्टर जो है उसके बाद किसमें, ट्रिपिंग डिवाइस में। ट्रिपिंग डिवाइसेस क्या होता है ये समझते हैं। टेस्टर देख रहे हैं, इस टेस्टर में देख रहे हैं आप तीन पाइपलाइन का कनेक्शन लगा हुआ है। और ये टेस्टर मेनली क्या होता है, इसके अंदर एक नीचे में एक पिन होता है, और वो पिन क्या होता है आपका टर्बाइन का जो शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर में ये करीब 1 mm की दूरी में वो पिन रहता है। और अगर ये ट्रिपिंग डिवाइस का यूज ये है कि अगर शाफ्ट आपका जरूरत से ज्यादा अगर थोड़ा भी वाइब्रेट होता है, 1 mm से ज्यादा अगर वो वाइब्रेट होता है, तो वो उस पिन को क्या करता है, शाफ्ट जो है टच कर देता है। उस टच करने की वजह से क्या होता है, ये जो ट्रिप ऑयल है जो इस सिस्टम के अंदर आ रहा है, क्योंकि इसी ट्रिप ऑयल का यूज हम लोग क्या करते हैं, ESV को ओपन और क्लोज करने में करते हैं, जो आपका मेन इमरजेंसी शुरू में बताया था, जो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व रहता है। तो आपका ये ऑयल आपका क्या होता है, जैसे ही अगर टर्बाइन में आपका वाइब्रेशन आता है तो क्या करेगा, ये आपका ऑयल जो है ये वापस नहीं आके अंदर में ट्रिप हो जाएगा। अब जब यहीं पर ट्रिप हो जाएगा और ये ऑयल आपका वापस नहीं आएगा, तो क्या करेगा आपका ESV में जो यही ऑयल आगे जाके जो अभी बात करेंगे, ESV में यही ऑयल जो है वो यूज होता है, तो ESV में आपका ऑयल जाना बंद हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ESV नॉर्मली क्या रहता है, क्लोज कंडीशन में रहता है, तो ESV आपका क्लोज हो जाएगा। अब फिर अब ये टेस्टर के नीचे का ये रेड वाला जो पाइपलाइन आप देख रहे होंगे, ये आपका ओवर, ये आपका ट्रिपिंग डिवाइस जो अभी हमने जो देखा है, उस ट्रिपिंग डिवाइस से ही ऑयल लाइन वापस आता है। वापस आने के बाद अंदर में क्या होता है, एक हॉलो पिस्टन होता है। उस हॉलो पिस्टन में से क्या होता है, इसके उधर से आप दो पाइप देख रहे हैं, इन दोनों पाइप में भी इधर से ऑयल जाता है और इधर से भी ये ऑयल निकलता है। लेकिन हमको कंडीशन रहता है कि हमको इस ऑयल का यूज किस में करना है। अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं, इमरजेंसी गवर्नर का अगर टेस्टिंग करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पिस्टन को ऊपर नीचे करके हम अंदर का हॉलो पिस्टन का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इस लाइन में ऑयल लेना चाहते हैं, अगर हम शाफ्ट का जो इमरजेंसी गवर्नर है उसको अगर हम लोग उसका टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें ऑयल ले आते हैं, नहीं तो नॉर्मली हमारा जो ऑयल है वो इस तरफ से निकलता है। अब देखते हैं ये जो ऑयल जा रहा है, ये ऑयल आप देख सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक इस तरफ डायरेक्शन गया है और एक इस तरफ का डायरेक्शन में गया है। ठीक है, तो इस तरफ का डायरेक्शन का पहले हम लोग समझ लेते हैं। इस डायरेक्शन में ऑयल आने के बाद से आपका इस ऑयल लाइन का डायरेक्शन दो दिशा में आप देख सकते हैं, जिसमें कि ये वाला जो है दोनों वॉल्व जो है वो ESV को कंट्रोल करने के लिए होता है, इमरजेंसी स्टॉप वॉल्व को। ये वॉल्व जो आप दो देख रहे हैं, दो सोलेनाइड वॉल्व लगा हुआ है, एक अबो द पिस्टन के लिए यूज होता है, एक बिलो द पिस्टन के लिए यूज होता है। जैसे आप नॉर्मली समझते हैं कि पिस्टन को आगे पीछे करने के लिए दो तरफ से उसमें ऑयल जाता है, तो उस तरह से हम लोग ESV को कंट्रोल करते हैं। और ये ऑयल जो है कहां से बताया था मैं आपको, ट्रिपिंग डिवाइस से आ रहा है। ट्रिपिंग डिवाइस में अगर कुछ टर्बाइन में वाइब्रेशन हुआ तो ये ऑयल आना नहीं बंद हो जाएगा, ये ट्रिपिंग डिवाइस के पास से ही केसिंग में ऑयल में ड्रेन हो जाएगा टैंक में। अब दूसरा डायरेक्शन जो देख रहे हैं हम लोग ऑयल का लाइन का, ये वाला है, तो ये वाला ऑयल हम लोग देख रहे हैं इधर से भी दो डायरेक्शन में चला गया है। अब शुरू में हम लोग बात किए थे इन दोनों वॉल्व की, कि जब तक मेरा सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर जो I2H कन्वर्टर से निकल रहा है वो करीब इतना ना बढ़ जाए कि 3 MW मैं जनरेशन करूं, तब तक ये वॉल्व नहीं ओपन होता है। तो ये वॉल्व जब तक ओपन नहीं, ये वॉल्व तब तक ओपन नहीं होता है। और ये सोलेनाइड वॉल्व भी इस ऑयल को, ये जो ऑयल है इसको रोकने के लिए ही ये वाला यूज किया गया है। तो नॉर्मली क्या रहता है, ये ओपन रहता है। तो जैसे ही सोलेनाइड को पार करने के बाद ऑयल आगे जाता है, तो ये हमारा हाइड्रोलिक वॉल्व में आ जाता है। हमारा हाइड्रोलिक वॉल्व है, ये जैसे ही मेरा 3 MW टर्बाइन पहुंचता है तो नीचे से प्रेशर पड़ता है और ये वॉल्व ओपन हो जाता है, ये दोनों वॉल्व ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद जो ये दोनों रेड वाला पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये जब बाहर की तरफ निकलता है तो यही ऑयल जो मेरा है QCNRV का वॉल्व को जाकर के ओपन और क्लोज करने का काम करता है। तो इस तरीके से आज आप समझ चुके हैं, इसमें मोटा मोटी हम लोग जो गवर्निंग सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक पैरामीटर है या जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग समझ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे से जब भी मैं कोई एक नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।